हमने जब तिभागी की बात की थी, हमने क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहले जिसकी दशा चलती है वो जिस ग्रह में बैठा है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, ये तुम यस सर। मानते हो? ये हमने क्लियरली डिस्कस किया था, इसमें कोई शक किसी को तो बताओ। जिस ग्रह में आपका प्लैनेट बैठा है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, रूल नंबर वन। रूल नंबर टू ये कहता है कि हर प्लैनेट के तीन नक्षत्र होते हैं। कितने होते हैं? सर तीन नक्षत्र। तीन नक्षत्र होते हैं हर प्लैनेट के। अब उसमें से तीनों नक्षत्र अपना अपना पार्ट, हालांकि तीनों नक्षत्र एक्टिवेट होते हैं, अगर अगर कोई प्लैनेट उनमें से किसी नक्षत्र में बैठा हुआ है तो वहां भी वो विजल देना तुरंत चालू कर देता है। लेकिन अगर कोई प्लैनेट दशा लॉर्ड के तीनों नक्षत्र में नहीं बैठा है तो तिभागी कंसेप्ट ये कहता है, बॉस जो भी दशा का समय है उसको मैं तीन भाग में डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि सबको इक्वली तीन नक्षत्र मिले हैं। अगर आप ध्यान से दे, आपकी अगर मंगल की दशा है, मंगल के पास तीन नक्षत्र है, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। तो जब कभी तिभागी आएगा, तिभागी का कंसेप्ट यह कहता है कि मंगल चाहे कहीं बैठा हो सकता है मंगल बैठा होगा भवनी में, तो भवनी तो उसका ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, ये जो घर है ये हाउस है। जी लेकिन मंगल की जो दशा का समय है उसको तीन भाग में डिवाइड कर दो, उसके बाद उसका जो नेक्स्ट नक्षत्र पड़ता है वो है कौन सा? मृगशिरा। तो पहला भाग जो होता है मृगशिरा को मिलता है, जो भी मंगल की जी दशा होती है उसका पहला हिस्सा मृगशिरा के पास जाएगा, और जो बाकी के दो हिस्से हैं वो किसके पास जाएगा? चित्रा और धनिष्ठा के पास। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये इसी ऑर्डर में जाएगा, पहले पहले चित्रा आएगा फिर धनिष्ठा आएगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, चर राशि, द्विसिभा राशि, इस कंसेप्ट के आधार पे वो पहले वो फॉलो करता है। लेकिन जो मेरा अनुभव कहता है, मैंने दोनों में ऑड्स ऑड मैन आउट पाए, और मैंने ये पाया कि पहला तो वो यही लेता है उसके जो बगल वाला है, लेकिन उसके बाद जो होते हैं चित्रा और धनिष्ठा, इसके लिए कई फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम अगर स्वाति से पड़ा होगा तो वो स्वाति क्योंकि चित्रा के बगल में, तो उसके बाद तुरंत ये एक्टिवेट हो जाता है। अगर व्यक्ति का नाम के अलावा व्यक्ति जो कार्य कर रहा होगा उसका संबंध चित्रा या उसके आसपास के नक्षत्र से पड़ता होगा। अभी हम नक्षत्रों के जो सिंबल पढ़ेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगा कि सिंबल कैसे काम करते हैं, तब वो भी वो इसी को एक्टिवेट कर देगा या फिर वाइस वर्सा। तो त्रिभागी ये कहता है कि अगर आपकी कोई दशा है, अगर आपकी कोई दशा है तो पूरा का पूरा दशा विपरीत भी नहीं जाएगा और पूरा का पूरा दशा अच्छा भी नहीं जाएगा। कई लोग कहते हैं बॉस मेरी चंद्र की दशा है बहुत अच्छी जाने वाली है, 10 साल बहुत अच्छे बीतेंगे, ऐसा नहीं है। चंद्र को देखते हुए आपको यह भी देखना है कि चंद्र के तीन नक्षत्र किस पोजिशन में, रोहिणी, हस्त और श्रवण। हो सकता है कि आपका हस्त नक्षत्र जो कि हाथ दिखाता है आपके अष्टम में बैठा हुआ है। भूपेंद्र जी प्लीज म्यूट कीजिए। हो सकता है कि आपका हस्त नक्षत्र जो आपके अष्टम में पड़ रहा है आपके चुपका चार्ट में, तो अष्टम को भी एक्टिवेट कर देगा, और आप अष्टम के हिसाब से काम नहीं कर रहे तो वो निगेट हो जाएगा, वो निगेट हो जाएगा, राइट? जी इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो तिभागी का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, मैं ये बोलूंगा तिभागी को भूल जाओ। किसी ने कहा तिभागी तिभागी तिभागी, मतलब मैं बता देता हूं, सब तिभागी का वो महादशा देखो, सबका एक ही उपाय है, महादशा के शरण में चले जाओ। अब महादशा के शरण में चले जाओ, लोग हमेशा कंफ्यूज क्यों होते हैं? एक छोटी सी बात मैंने सिखाया है, एक छोटी सी बात मैंने सिखाया है, लोग उसको समझ नहीं पा रहे। तो अगर एस्ट्रोलॉजी के बहुत एडवांस कंसेप्ट में चला जाऊंगा तो लोग कैसे समझेंगे? मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं कैसे इसके आगे बढ़ता हूँ। एक ही सवाल में डेली डेली बता रहा हूँ, एक ही उत्तर। फिर से समझ, सबसे पहला फंडा किसी भी चार्ट में, मैंने आज भी फर्स्ट हाफ में भी यही बताने की कोशिश की थी, तब भी लोग उठपटांग क्वेश्चन पूछते तो मुझे बड़ा दुख होता है, यकीन मानिए। अगर आपका प्लैनेट कहीं भी बैठा हो, कोई भी प्लैनेट हो, आप हाउस को बाद में देखो, पहले देखो दशा किसकी चल रही है। कोई भी रिजल्ट जनरेट कौन करता है?
कौन करता है बताइए? महावैशाल दशा लॉर्ड, लॉर्ड। दशा लॉर्ड। ये चीज हमने कई बार बोली है। अब आप बोलोगे सर कई तरह की दशाएं होती है, हम इसी को क्यों माने? मत मानो, आपकी मर्जी। लेकिन लेकिन विंशोत्तरी दशा वर्ल्ड वाइड बहुत तरीके से यूज की जा रही है और बहुत पॉजिटिवली रिजल्ट देती है। और उसको समझने के लिए हमने नवतारा पद्धति समझी। हमने ये भी देखा नवतारा कैसे उसी रूट को फॉलो कर रहा है जिस रूट से विंशोत्तरी बनी। ये आपने देखा ना, प्रभु श्री राम, प्रभु यस श्री कृष्ण के जमाने में जब नवतारा पद्धति यूज होती थी, हमने उस कंसेप्ट को समझा। उसमें हमने राहु केतु को समझने की कोशिश की, राइट? होता क्या है, जो लोग नए लोग आए उन्होंने पूरे वीडियोस देखे नहीं है, इसलिए उनके इतने क्वेश्चन अराइज होते हैं। आप पहले कंसेप्ट को समझिए, आप साइंस को समझेंगे तो आपके लिए सहज जाएगा। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। तो जो दशा लॉर्ड होता है, दशा लॉर्ड पे किसका प्रभाव पड़ रहा है ये बताइए। अब अगर किसी कुंडली में दशा लॉर्ड कहीं बैठा हुआ है, तो पहली बात तो जिस भाव में बैठा वहां का रिजल्ट एक्टिवेट कर रहा है, इस बात को आप लोग मानते होंगे। इसके बाद दशा पे किसी की दृष्टि यस पड़ रही है, वो दृष्टि किसकी पड़ रही है, किसकी पड़ रही है? नक्षत्र की, नक्षत्र की। अब इस पे कई लोग सवाल पूछे से नक्षत्र का नहीं करना है, नहीं करना। अरे नहीं करना है, सिंपल रूल है। आपको मैंने बता दिया कि नक्षत्र की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन पीड़ित कौन हो रहा है? रिजल्ट देने का काम ये कर रहा है, ना कि नक्षत्र। नक्षत्र उसको पीड़ा दे सकता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि आपको नक्षत्र पीड़ा दे रहा है नहीं दे रहा है। तो कभी भी ध्यान देना है, आपका दशा लॉर्ड नक्षत्र के प्रभाव में हो ना हो, दैट इज सेकेंडरी। पहली रेमेडी किसकी करनी है? दशा लॉर्ड की। दशा दशा लॉर्ड की रेमेडी मैंने आपको लॉर्ड। तीन तरीके से बताई है। सबसे पहले मैंने कहा है कि दशा लॉर्ड को अडाप्ट करो। इसका मतलब आप लोग समझ में, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ, उसका जो स्वभाव है उसके स्वभाव को अपनाओ। शनि का स्वभाव क्या है? डिसिप्लिन लाइफ, पब्लिक के लिए काम करना। सूर्य का स्वभाव क्या है? अथॉरिटी, बैलेंसिंग। इसका नेचर क्या है? वो शनि, और मैंने ये भी बताया कि जोड़े में काम करते हैं शनि सूर्य। अगर अलग अलग आप सोचो कि मैं सूर्य की तरह करूंगा शनि को भूल जाऊंगा तब भी बैंड बच जाएगी। आप बोलो कि मैं शनि की तरह काम कर सूर्य को भूल जाऊंगा तब भी बैंड बच जाएगी। बॉस, दोनों एक दूसरे को फॉलो करते। मैंने आपको बताया था जोड़ा पद्धति, हर प्लेनेट जोड़े में काम करता है, याद है आपको? कुछ ईश्वर ने हमें भी दो हाफ में बनाया है, हमारे शरीर को बीच में से काटोगे दो हिस्से होंगे, राइट? स्वास्तिक को देख लो, पुराने जमाने के घर देख लो, वो भी इक्वली ऐसे बनते थे। बीच में, बीच का स्थान केतु का स्थान माना जाता था, जहां पे तुलसी को स्थापित किया जाता था। गांव के घर देखा है किसने? चौकोन होता था, बीचों बीच आंगन होता था और उसमें तुलसी होती थी। अब तो जगह ही नहीं बची, अब तो फ्लैट सिस्टम आ गए, दीवार को दीवार चिपक के घर बनने लगे। और बीच में जो तुलसी होती थी उसका बहुत महत्व होता था, क्योंकि वो केतु का स्थान था। एकदम बीचों बीच तुलसी होती थी, छोटी सी, आंगन के बीचों बीच। गाना भी सुना होगा, मैं तुलसी तेरे आंगन की, याद है? इसमें पूरा वास्तु का ध्यान दिया जाता था। अब आप खुद सोचो कि आपकी जो दशा पड़ी है उस पे नक्षत्र का प्रभाव पड़े ना पड़े, दैट इज सेकेंडरी। पहला रेमेडी मैंने आपको क्या बताया था? दशा लॉर्ड का फास्ट। फास्ट का मतलब क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। उसके मैंने क्या बताया था? दशा का मंत्र जाप, ये आपको करना है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, सिर्फ इसके साथ साथ, इसके साथ साथ आपको दशा लॉर्ड को एडाप्ट करना है अपने जीवन में, उसको बैलेंस करना है। ये आप जितना शीघ्र करोगे उतना ये नीचे वाले रिजल्ट तुरंत आएंगे, ध्यान में रखना। अब मुझे बताओ, मेरी बृहस्पति की दशा चल रही है और मैं पूजा पाठ ना करूं, आप यकीन मानिए राहु की दशा में मैं कभी एक अगरबत्ती नहीं जलाता था। अब भक्ति भाव था, मैंने 12th हाउस मेडिटेशन बहुत किया है, लेकिन कभी बोला कि अगरबत्ती जलाओ, साधना करो, मंत्र जाप करो, ये करो, मैंने नहीं किया। लेकिन जैसे ही जुपिटर आया, मैंने जुपिटर को जीवन में अडॉप्ट किया। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? अगर मैं अडॉप्ट ना करूं और केवल फास्टिंग और मंत्र जाप करूं, रिजल्ट आएगा? ऐसा नहीं, नहीं आएगा, लेकिन वो रिजल्ट 70% आएगा। 100% रिजल्ट चाहते हो तो आपको प्लैनेट को अडॉप्ट करना पड़ेगा।
इस चीज को समझो पहले बात। अब कभी भी एडाप्टेशन एक प्लैनेट को नहीं करना है, आपको जोड़े में करना है। जोड़ा याद है मैंने आपको क्या बताया था, कौन कौन सा जोड़ा था याद आ रहा है? जी हाँ सैटर्न, सर, जुपिटर, जुपिटर का सर जुपिटर, मंगल है, सैटर्न, मार्स, सेकंड सैटर्न सन, 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 सैटर्न सन। जुपिटर हाँ जुपिटर किसके साथ है? मंगल, मंगल के साथ, मार्स, जुपिटर, मार्स, इसके बाद, मार्स, इसके बुध बाद एंड शुक्र, मर्क्यूरी, वीनस, बुध एंड शुक्र, मरकरी, वीनस, मरकरी, वीनस, इसके बाद यस सर, राहु, केतु, केतु, उसके चंद्रमा बाद एलोन है सर, उसके साथ वो चंद्रमा एलोन नहीं है, और लग्न सूर्य, है, सूर्य, वो एलोन नहीं सूर्य है, हमने क्या बोला था, लग्न सूर्य है सर, प्लस लग्न एंड और मार्क्स एंड मंगल, लग्न लग्न या लग्न। मंगल ले लो, देखो मैं तो लग्न मानूंगा। मंगल का यूज अलग तरीके से यूज किया जाता है जब उसका उपाय करना हो, लेकिन यूजुअली जो हम जो बोलते हैं, जब व्यक्ति पैदा होता है, जो लग्न होता है, वही उसका देह, वही उसका शरीर है, तो फर्स्ट हाउस, ठीक है? ये बैलेंसिंग जो कर रहा होगा और फास्टिंग और मंत्र करेगा, मैं बोला 90 to 95% आपकी रेमेडी वही हो जाएगी। अच्छा और एक चीज आपको पता है, मंत्र करता क्या है? मंत्र उस प्लैनेट को आपके अनुकूल बनाता है। अनुकूल बनाने का मतलब समझो, आपकी जो नेगेटिविटी चल रही है जीवन में, आपको उस नेगेटिविटी से दूर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर कोई दोष है, किस तरह का दोष है, कोई भी नकारात्मक दोष है, किसी भी तरह का दोष, लालच है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो आपको उन दोषों से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन हाँ, हर प्लैनेट का स्वभाव अपना अलग है। मर्क्यूरी क्या करता है, मर्क्यूरी क्या करता है, मर्क्यूरी हलबुलाहट में करता है, जल्दीबाजी में करता है, ज्ञान के माध्यम से, राइट? शनि क्या करता है, यस सर, शनि क्या करता है, स्लोएस्ट है सर, थप्पड़ देके करता है, धीरे धीरे करता, थप्पड़ देके करता है। सूर्य क्या करता है, अथॉरिटी के साथ करता है। जुपिटर क्या करता है, ज्ञान देके करता है। समझो बात। हाँ, वीनस का स्वभाव अलग है। जी सर, वीनस को समझना ना, अच्छे अच्छे समझ नहीं पाता है, क्योंकि वीनस दो तरीके से काम करता है, एक तो गुरु भी है और दूसरा उसका जो ग्रुप है और पूरा का पूरा राक्षस गण है, तो उनको भी यूज करता है कई बार। कौन कौन है, शनि, केतु और केतु मर्क्यूरी, राहु, राहु तो खुद ही है, राहु भी है, राइट, इन सबको यूज करता है। चंद्र क्या, मन का कारक है। तो आपको समझना होगा, जब तक आप जोड़े में काम करो नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा बॉस। आप देखो, जब भी मैंने कभी रेमेडी की बात की है, मैंने कभी नहीं, हमेशा एक चीज कहा, पहले प्लैनेट को समझो, प्लैनेट को एडाप्ट करो। आप फालतू में सूत्रों में क्यों अटक रहे हो, सूत्र प्लैनेट ने नहीं दिया हुआ है। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा यस सर, हूं? अगर मेरा एक पर्टिकुलर स्वभाव है और आप मेरे साथ आते हो, आप मेरे साथ कितना दिन हो गए, या तो आप मेरे स्वभाव के साथ एडाप्ट करोगे, अगर नहीं कर पाए तो आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। हस्बैंड वाइफ में जब हम लोग कुंडली मिलान की बात करते, यही तो करते हम लोग। हम लोग कोई बड़ी चीज थोड़ी कर रहे, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी कर रहे, हम उन दोनों में मिलान कर रहे, उनके स्वभाव का मिलान कर रहे, उनके विचारों का मिलान कर रहे, उनके भविष्य का मिलान करें, उनके कर्मों का मिलान करें, क्या उनके कर्म मैच कर रहे एक दूसरे के साथ, राइट? और अगर मिलान नहीं होता तो क्या होता है, शादी हो जाती है, कोई बात नहीं, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, और कई बार लड़ाई झगड़े इस हद तक चले जाते हैं कि डाइवोर्स हो जाता है, दूरी हो जाती है। नाड़ी दोष किसी ने सुना होगा, रिलेशन भी अच्छे, सब कुछ अच्छे है, लेकिन वो उनके अंदर दूरी बननी है, अलग तरीके से दूरी बन जाती है, किसी की पहले डेथ हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपका आपके दशा लॉर्ड से संबंध नहीं बन रहा है, तो समझ लो यू हैव इन अ डीप ट्रबल। आप समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? साथ ही साथ सर, जो बैलेंस है वो सिर्फ दशा लॉर्ड से नहीं करनी है, दशा लॉर्ड जहां बैठा है उसके एक्सिस से भी करनी है, वो भी हमने डिस्कस किया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग या तो देख नहीं रहे हो, कंसेप्ट समझ नहीं, वैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। स्पून फीडिंग में कितना भी दे दूंगा ना, आप नहीं कर पाओगे। मैं आप लोग का उपाय जड़ से करना चाहता हूं।
नहीं तो रत्न पहनो पहनो कुछ काम नहीं करता है। कई लोग आप में से रत्न पहन पहन के बैठे होंगे, अभी साइड इफेक्ट ही है उसके, सीरियसली बता रहा हूँ। हाँ जी सर, कोई एक कुछ कुछ एक है इसमें बता, बोलिए एक और ऐड क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर। बोलिए। सपोज MD चल रही है सर जुपिटर की, और जुपिटर अगर उसके 27th नक्षत्र का ही है तो वो उसको फायदा करेगा सर, क्योंकि उसका सर अभी मैं नक्षत्र की ट्वेंटी बात ही नहीं सेवन कर रहा हूँ, नक्षत्र नक्षत्र जो है वो नहीं, इसके नेक्स्ट अंदर लेवल है। ऐड करते मेरी हैं बात तो। सुन, मेरी बात सुन, क्यों ऐड करना आप लोग अपने मन के विचार क्यों अच्छा डालते हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हमने सिंपल क्या कहा है, ठीक, सिंपल लॉजिक है, सिंपल प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं आपको बता, आप लोग की गलती कहाँ हो रही है। आप लोग 10 लोगों को सुन रहे हो, 10 लोगों के वीडियोस देख रहे हो, 10 लोगों से बात कर रहे हो, आप भी कुछ एस्ट्रोलॉजर हो, 10 किताबें पढ़ रहे हो। मैंने क्यों बीच में किसी ने कहा था कि हम लोग आपस में डिस्कस करें चैट, मैंने साफ मना क्यों किया, ये अननेसेसरी कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रहा है, यही हुआ है ना, गलत तो यस नहीं कह सर, रहा हूँ। यस सर, यस करेक्ट सर, 10 तरह के कंसेप्ट लोग, 10 10 चीजें बता रहे, लोग दुकान खोल के बैठे, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। लेकिन जी सर। समझने की कोशिश करो कि अगर आप दशा को सर अडाप्ट यहाँ कर लो, पर एक चीज, सर हाउस को बैलेंस कर लो, पास्ट। राम राम सर, राम राम शिके जी, कैसे हो आप? बढ़िया। मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाह रहा हूँ, सॉरी मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। मैं नहीं, बोलिए बोलिए शिके जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 10 तरह की, देखो आजकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना कई तरह के टेक्निक्स है, केपी है, कोई लाल किताब है, कोई कुछ टेक्निक है। को डिनाई नहीं कर रहा हूं, हाँ लेकिन लेकिन कंसेप्ट घूम फिर के सेम ही रिजल्ट पे जाता हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी हम बिगनर हैं, लर्नर हैं, तो हमें ना कोई एक पैटर्न पकड़ के उस पर फोकस करके है। काम हाँ करना चाहिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या थोड़ा क्लियर रहेगा। अगर हम, हमें पता नहीं होता सामने वाला किस कॉन्सेप्ट को लेके हमसे डिस्कशन कर रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, और हम भी नहीं उसमें अपने इन्वॉल्व हो रहे, तो उससे क्या है कि सर, हम सर मिस मिस सर मिसगाइड मैं हो तो जाते सर हैं। आप ही को फॉलो कर रहा हूँ सर, आप सुनील जी को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, आप लोगों को भी हाँ, फॉलो कर रहा हूँ, मैंने ये आपको तो एक मेरे को सिंपल एक एक कंसेप्ट, एक्स्ट्रा वो सर मेरी बात दिमाग। सुने, एक्स्ट्रा लेने जाओगे ना, एक्स्ट्रा धूप, देखो एक्स्ट्रा ना ऐसे नहीं होता है, ये एक एक स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप खुद पे अनुभव करो ना, जो लोग जी सिंसियरली जी कर सर, रहे हैं वो लोग इसको अनुभव कर रहे हैं, मुझे रिजल्ट आ रहा है अभी, आज से नहीं, मैं सालों से जिनको जिनको ये मैं अपने रेमेडीज दे रहा हूँ ये काम करते हैं, तभी मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरे कॉन्फिडेंस में कहीं क्वेश्चन मार्क नजर आया कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? नहीं सर, आपका तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है सर, इसलिए तो सर हम आपसे जुड़े नहीं, हुए मैं हैं। खुद कर रहा हूँ इन चीज रेमेडीज को, अब खुद कर रहा हूँ, मैं वाइफ से करा रहा हूँ, मैं फैमिली मेंबर से करा रहा हूँ, मेरे दोस्तों से करा रहा हूँ, और यही नहीं, इतने हजारों चार्ट देखे मैंने, इनको कराया, उनको रिजल्ट आया है, खुद बोला है कि सर ट्रेमेंडस इफेक्ट आया, ट्रेमेंडस रिजल्ट है, मतलब कि ईस्ट से वेस्ट सर 99% रिजल्ट आए एक्चुअली सर, लोगों का। हमने लेट ज्वाइन किया था सर, वो 1 महीना ही हुआ मुझे, तो नहीं मैं नहीं पुराने वीडियोस भी देख रहा आप हूँ और प्लीज साथ देखिए, में ये भी देख रहा हूँ, मैं तो वो बात क्या है समझने, थोड़ा सा। मैं बात समझने की कोशिश को, इससे क्या होता है अननेसेसरी ना, हमारे इसमें ब्रेक लगती है, क्योंकि डेली बेसिस पे लोग वही वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हर दिन हम वही करेक्ट डिस्कस करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ करेक्ट सर। पाएंगे, क्योंकि हम जैसे गोचर में एक पार्ट टू करने वाले थे, फिर देखा सीरीज ऑफ क्वेश्चन आए हुए, टॉपिक वही है, वही बैलेंसिंग की हमने बात की, सैटर्न सन के बिना नहीं चल सकता, हम इनको साथ में चलना करना है, जुपिटर मार्स के बिना नहीं चल सकता है, मर्क्यूरी वीनस के बिना नहीं चल, राहु केतु साथ, तो आपको पता है कि मैं केवल एक को लेके चलूंगा दूसरे को भूल जाऊंगा तो क्या होगा, बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी। ऐसे ही मैंने आपको पहले ही बताया है कि हाउस बैलेंसिंग की बात करते हैं, आपका दशा लॉर्ड जहां बैठा हो उसके सामने ठीक उससे सातवां जो घर है उसको भी साथ में बैलेंस करो, रिजल्ट चमत्कारी है। फास्ट और मंत्री तो बताया मैंने आपको, फिर एक नया कंसेप्ट जो मैंने आपको लाया वो था कि अगर आपका प्लैनेट गंडमूल नक्षत्र में आता है, गंडमूल के 6 नक्षत्र है, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि वो प्लैनेट उस नक्षत्र में आता है जो 6 8 12 से संबंध नेगेटिव है, उसका एक सिंपल मैंने आपको रेमेडी बताया था, उस नक्षत्र का जिस दिन जो दिन आता है राइट, उसके मंत्र जाप उस संख्या में जो मैंने आपको टेबल दिया हुआ है उस संख्या में आप कर लो, महीने साल में एक बार करना है जी उस नक्षत्र के लिए, मतलब क्या हुआ कि इस दशा पे जो नक्षत्र का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वो भी कंट्रोल हो जाएगा, यू आर गेटिंग अ पॉइंट। इसमें एक चीज मैंने एड ऑन करेक्ट की सर, थी, गंडमूल नक्षत्र क्योंकि हीटेड नक्षत्र है, वो जल तत्व और अग्नि तत्व के बीच में अटक जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम उस नक्षत्र को बैलेंस करते हैं, उसको बैलेंसिंग की टेक्निक क्या है,
सभी 27 नक्षत्रों को, सभी 27 नक्षत्रों को हम एक साथ मिला लेते हैं, राइट, उनके रूपक लेते हैं हम, यस उसमें जल तत्व, उसमें पृथ्वी तत्व, और उसमें और क्या लेते हैं हम लोग वायु तत्व, वायु तत्व, वायु तत्व कैसे लेते हैं, हम पेड़ के पत्ते लेते हैं जो वायु प्रदान है, जी सर ठीक है, और जी उसको लेकर के उसको हीट करके उससे स्नान करते हैं। मैंने ये भी आप लोग को बताया था कि हमारे यस सर इंद्रियों से बेहतर रेमेडी नहीं है वाणी, ठीक है, प्रकाश जो हम ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर के जो पोर्स है स्पर्श, ठीक है, राइट, फिर हमारे जो सर ईयर्स है जो हम सुनते हैं, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले क्यों बताया आप लोगों को, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपका चार्ट देखना चालू करूंगा, बोला ये कविता बोले आपने ये क्यों बताया, ताकि आपको समझ में आए कि ये सिंपल जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत बढ़िया काम करते हैं, एक्सट्रीम केसेस में भी काम करते हैं, एक्सट्रीम केसेस में भी। चंद्र के ऊपर हमने डिस्कस किया, हमने मैलेफिक प्लैनेट के इफेक्ट को कैसे कंट्रोल करना वो डिस्कस किया। ये सिंपल रेमेडी, अगर आप कंफ्यूज हो गए ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल बताया आप लोगों को। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है गोचर को कैसे कंट्रोल करना, क्योंकि गोचर इम्पैक्ट क्रिएट करता है जो भी, जैसे अभी किसी ने पूछा था कल मैसेज में कि सर अचानक होने वाली जो घटनाएं होती है, जैसे किसी की अचानक अकाल मृत्यु होती है, वो कैसे होती है, वो गोचर डिफाइन करता है। अब प्रॉमिस होगा चार्ट में, मैं मान्य करता हूँ, लेकिन अगर उस प्रॉमिस को कंट्रोल कर लिया जाए दशा के थ्रू, तब वो गोचर रिजल्ट को निगेट भी कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए हर चार्ट को मैं एक ही चीज कहूंगा, बी पॉजिटिव। कोई कहता है आपका चार्ट है बहुत बुरा, बोलने का कोई बात नहीं, थैंक यू, लेकिन मुझे पता है मेरा चार्ट बहुत अच्छा है, हाँ मैं अगर उसके हिसाब से चलूंगा तो, नहीं चलूंगा तो वो चार्ट उससे भी बुरा है। अंजू मैम ग्रुप में है मैम, आप अंजू मैम, अंजू कोहली जी, अभी उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने लाइव एग्जांपल बताया कि मेरे एक क्लाइंट है, मैं चार्ट देख देख के थक गए, इतना गंदा चार्ट, इतना बुरा चार्ट है, लेकिन उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। फिर मैंने जब 6-8-12 का कंसेप्ट बताया, तब उनको लॉजिक समझ में आया, अरे तो 6-8-12 का उपाय तो सालों से करते आए, तो रेमेडी पार्ट इससे ज्यादा कुछ नहीं है, 6, 8, 12 और ये जो मैंने दशा का सिस्टम बता दिया। लोग अलग अलग तरीके से उसको करेंगे, इसका नक्षत्र, इसका रत्न पहन लो ये उस प्लैनेट को दबा देगा, इसका रत्न पहन लो ये वो कर देगा, राइट, लाल किताब की रेमेडीज लेके आएंगे, वो हाउस बेस है, यही होता है ना। हाँ जी, जी सर तो मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ श्रीकेश जी भी, श्रीकेश जी कैसे हो आप? बढ़िया सर, बढ़िया, प्रभु कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद सर। नहीं, धन्यवाद। एक्चुअली मैं भी कुछ डिस्कस कर रहा था, गोचर का पहला पार्ट इनसे डिस्कशन हुआ है, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन गोचर पार्ट 2। अब नहीं, इसमें बढ़िया, मैं बहुत इनको यही बढ़िया, बताने चाह रहा हूँ कि हर प्लेनेट की एक अवधि होती बिल्कुल बिल्कुल। है। आप गोचर पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कि मैं आगे बढ़ूं, जैसा आप कहे कंटिन्यू नहीं, आप कंटिन्यू करिए सर, फिर करता हूँ फिर मैं, ठीक हाँ है, धन्यवाद। बिल्कुल एक्चुअली क्या ये आप पार्ट कंटिन्यू भी करिए। रह जाएगा, क्योंकि कल मैं इनको सोच रहा हूँ कि नाग पंचमी के ऊपर कुछ इनको रेमेडी देना चाहूंगा, राइट, दैट्स द रीजन, ठीक है। तो अब हम जब गोचर की बात करते हैं, राइट, तो गोचर कैसे डिफाइन हुआ है, आपने सुबह सुबह देख लिया आज, मतलब तो दिन में जब हमने सेशन लिया था, एग्रीड, हाँ जी, किसी को कोई डाउट है उस पे? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, ओके, सॉरी, एक्चुअली मैं कुछ और करने लगा, सॉरी। हमें ये कह रहा था कि हमने गोचर डिस्कस किया था आफ्टरनून में, हमें क्या पर समझ में आया कि जो चलायमान है, निरंतर चलने वाला है, वो वही प्लैनेट है। हमने जब जन्म लिया उस समय जो प्लैनेट थी, जो प्लैनेट की पोजीशन थी, वही प्लैनेट की पोजीशन आगे बढ़ने लगी और वो क्या कहलाई? गोचर, एग्रीड। अब गोचर में हमें समझना होगा कि गोचर किसके होते हैं, उन्हीं प्लैनेट के होते हैं जो हमारे चार्ट्स में, उनका प्रभाव किस पे पड़ा,
उस फॉर्मिस पे पड़ा जो हमें बरचार्ट मिला है, ठीक है। नक्षत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैंने ये बात भी आप लोगों से डिस्कस किया, नक्षत्र का प्रभाव प्लैनेट पे पड़ता है क्योंकि सबसे बाहरी ऑर्बिट पे नक्षत्र है, एग्री। और हाँ जी, रिजल्टेंट इफेक्ट जो डाइवर्ट करने का काम करता है वो करता है दशा गोचर। अगर आपने अपने चार्ट में दशा गोचर को समझ लिया, उनको संभाल लिया, तो आप अपने जीवन के 99% समस्याओं को कंट्रोल कर लेंगे। मैंने कहा कंट्रोल कर लेंगे, हल करोगे नहीं करोगे वो डिपेंड करता है कि आपके प्रारब्ध का आउटस्टैंडिंग कितना है आपके साथ। आपने अपने प्रारब्ध को पॉजिटिवली हैंडल कर लिया है तो कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप उसको नेगेटिवली हैंडल कर रहे हो, जानते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाओ, जो अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं कर पाते, ठीक है। अब इसके स्टेप बाद हमने डिस्कस किया था कि हम अब डिस्कस करेंगे कि हर प्लैनेट की एक अवधि होती है, हमने ये डिस्कस करने की बात हाँ की थी। इसमें जी, इसमें कुल मिला के जो 9 प्लैनेट है जिनके गोचर की बात करनी है, उसमें कुछ आंतरिक प्लैनेट है, कुछ बाहरिक प्लैनेट है। अब मुझे बताइए बाहरिक प्लैनेट कौन कौन से है। सर जुपिटर, सैटर्न, हाँ, मार्स मार्स, मार्स मार्स, मार्स और वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, एक्सेलेंट। और राहु केतु। ठीक है, क्या राहु केतु दोनों बाहरी है। राहु सर, अच्छा, दूसरी चीज, गोचर की अवधि ये क्या होती है। सर जैसे सैटर्न एक राशि में 2.5 साल लेता है तो इसको गोचर की अवधि कहते हैं। एक्सेलेंट। और एनीबडी एल्स। चलिए जुपिटर 1 ईयर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसी चीज को एक नेक्स्ट स्टेप पे जाकर के। जो हम चार्टिंग की बात करते हैं, हमारी धरती के ये आउटर ऑर्बिट है और हमारी जो धरती है वो यहां कहीं है, ठीक है। सभी प्लैनेट एक स्पीड में आगे घूम रहे, मैं कहूंगा मतलब वो उनका मैजिक चल रहा है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट। उसमें कौन कौन है, सैटर्न है, कौन कौन है और बताते जाइए, राहु, हाँ राहु जी, केतु। जुपिटर, मार्स, राहु केतु एग्जैक्टली अपोजिट घूमते हैं, ठीक हाँ है जी। जी, जुपिटर उसके बाद और कौन है, जुपिटर एंड मार्स, जुपिटर है जुपिटर है, हाँ आगे, जी, मार्स, 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 मार्स ले लिया मैंने, और बताते जाइए, मरकरी, मर्क्यूरी, मरकरी, वीनस, सन, वीनस और वीनस, मून। मून। अब क्या होता है कि जब धरती के अराउंड आप देखोगे कि इनका एक ऑर्बिट फॉर्म होता है, लेकिन सबका ऑर्बिट का स्पीड अलग-अलग है। एक चक्कर, टोटल एक चक्कर लगाने को जो स्पीड बनता है, मैं अब उनको डिफाइन करूं तो राहु केतु लेते हैं 18 इयर्स। कितने वर्ष, 18 इयर्स। एक चक्कर लगाने को राहु केतु कितना लेते हैं, 18 साल। चंद्र कितना लेता है कौन बताएगा, 27 दिन, परफेक्ट आंसर, 27 दिन, हाँ, परफेक्ट आंसर, 27.3। अभी कुछ दिनों पॉइंट पहले ही मैंने ये थ्री, क्वेश्चन ग्रुप में पूछा था, ठीक हाँ है। जी, उसके बाद जुपिटर कितना लेता है, 12 13 साल, वर्ष, 12 वर्ष लगता है, 12 वर्ष, 12 पॉइंट समथिंग है वो, हम 12 मान के चलते हैं। सैटर्न कितना लेता है, 30 वर्ष, क्लोज 29 पॉइंट कुछ है सर, टू 30 है, हम 30 मान के चलते हैं। मार्स कितना लेता है, 15 मंथ्स के करीब होता है कुछ। 1.4, 16 महीने के करीब लगभग, क्योंकि 39 से 40 दिन का उसका 1 महीने का ऑर्बिट होता है मंगल का।
वीनस कितना लेता है? एक साल से कम जी, एक साल वन ईयर से कम लगभग 9 पॉइंट कुछ मंथ्स के आसपास, 9.3 मंथ्स। मर्क्यूरी ऑल्सो सन कितना लेता है? एक सर वर्ष, सन का तो पता ही है, एक वन साल, ईयर। एक वर्ष। हाँ, अब मर्क्यूरी का कौन बताएगा? लगभग एक साल से, लगभग एक वर्ष, पक्का? कितना? एक एक साल से कम सर, एक साल के अंदर 1 साल के अंदर कितना अंदर? है सर। 24 डेज रहेगा राशि में। आपको पता मून के बाद फास्टेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो मर्करी है, मर्क्यूरी, वीनस। वीनस। नहीं सर, मर्करी है उसके बाद फास्टेस्ट। मर्क्यूरी सर, वीनस किसने बोला? ठीक मैंने बोला सर। है, वीनस क्यों लग रहा है आपको भूपेंद्र जी? सर मर्करी और वीनस का सेम ही टाइम है ना, उस अकॉर्डिंग बोलना सर। अब एक चीज आपने देखा होगा कि सूर्य के सबसे नजदीक जो प्लैनेट है, कभी भी किसी भी कुंडली में आपको मर्क्यूरी नजर आता है, लेकिन दो जी दोनों का अगर आप ऑर्बिट देखोगे तो एक एक साल है और एक 88 दिन है, ऐसा क्यों? कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर? ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अलग तरीके से डिस्कस किया था मैंने। ध्यान नहीं आ रहा मैंने कब किया था वो। विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है शी। नहीं, कहानी ये बनती है कि हर जब मर्क्यूरी की बात करते हैं, एक मिनट, मैंने वो ना ऑर्बिट, तो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे, नहीं तो बस बात वही रह जाएगी हवा हवाई। जहां पे मैंने आपको 9 प्लैनेट्स पूरे दिखाए थे, शायद स्टार्टिंग के कुछ ही क्लास में किया था, याद है आपको? याद आ रहा है? आंतरिक प्लैनेट, बाहरिक प्लैनेट, आई थिंक दिस वन विंशोत्तरी में था। आप देखेंगे कि ये सभी प्लैनेट सूर्य की तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं, हाँ मर्क्यूरी सन के एकदम करीब है, सबसे नजदीक। तो जब मैं अर्थ के एक्सिस से जब मैं मर्क्यूरी को और सन को देखता हूं, तब मैं ये पाऊंगा कि ये एक दूसरे से, ये एक दूसरे से कुछ डिग्री से दूर नहीं जा पाते। इसलिए अक्सर देखोगे कि मर्क्यूरी जो है वो सूर्य, बेसिकली वो जो सन के करीब होने के कारण से, हाँ, सबसे ज्यादा अस्त होता है और सबसे नजदीक भी रहता है। आप कभी नहीं पाओगे कि हाँ मेरा सूर्य कुंडली के एक तरफ है और मर्क्यूरी दूसरी तरफ है, मर्क्यूरी को हमेशा सूर्य के एक घर आगे पीछे ही पाओगे। और वीनस का जो मैक्सिमम डिस्टेंस बनता है, वो भी इसी ऑर्बिट में आता है, वो बनता है सूर्य से मात्र 56 डिग्री टूवर्ड्स बोथ साइड्स, अगर आप इसको एस्ट्रोनॉमिकली स्टडी करोगे तो। ठीक है, ये चार्ट आपको याद होगा, राहु केतु एक्सिस। अब कहानी बनती है कि जो बाहरी प्लैनेट है उनका एक अलग प्रभाव पड़ता है गोचर, और जो आंतरिक प्लैनेट है उनका प्रभाव अलग है गोचर में, जब हम गोचर को स्टडी करते थे।
मंगल, राहु, जुपिटर, सैटर्न, ये पूरे बाहरी प्लैनेट कहलाते हैं। और मून, वीनस, मर्क्यूरी, केतु, सन, ये आंतरिक कहलाते हैं। राइट, ये हमने पूरा बैलेंसिंग सीखा था, 60-60 साल में कैसे बैलेंसिंग हुआ था, याद है ये सब चीजें? ठीक है, जब हम मैं गोचर की बात करता हूं, इन सब की एक अवधि है। तो मून हर 27 दिन में, हर 27 दिन में आपके कुंडली में 9 के 9 प्लैनेट को ट्रिगर करता है, अर्थात उनको टच करता है। आप चाहो ना चाहो वो अपना काम करता रहेगा हर 27 दिन में। अगर मैं किसी का चार्ट भी लूंगा तो आप देखेंगे एवरी 27 डेज मून से टच करेगा। ऐसे ही सूर्य हर एक साल में उसको गोचर में हिट करेगा। एग्रीड? हाँ लेकिन सबसे ज्यादा अवधि लेने वाला प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न, सैटर्न। उसके बाद जुपिटर, उसके बाद राहु केतु, जुपिटर, उसके बाद जुपिटर। जुपिटर। अब आप ये देखोगे कि राहु केतु का जो प्रभाव है और सैटर्न का जो प्रभाव है,